अच्छी कॉफी, बता आगे। ओके, सो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी हाजा कानेता एंड यू कैन सी आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ बिकॉज टुडे आई एम विद माई इंस्पायरेशन हु इज़ माई डैड एंड आई वॉन्ट टू से जस्ट के औलाद जो भी होती है उसकी रिफ्लेक्शन उसके पेरेंट्स से ही होती है एंड आई जस्ट थॉट के अगर मैं कुछ भी बन जाती हूँ या अगर जो भी हूँ तो वो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल माई फर्स्ट आइडियल एंड फर्स्ट इंस्पायरेशन इज़ माई डैड एंड आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस हिम एंड आई वॉन्ट कि वो आज थोड़ा सा कुछ बोलें क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आज उनके साथ बैठ के क्योंकि मेरी शुरू से बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कि कभी मेरे फादर मेरे साथ बैठे और मैं उनके साथ बात कर सकूँ. इवन आई डोंट हैव अ कॉन्फिडेंस टू लाइक टॉक इन फ्रंट ऑफ हिम अबाउट एनी थिंग बट टूडे आई एम वेरी हैप्पी एंड सबसे पहले मैंने उनके लिए कॉफ़ी बनाई ताकि उनका थोड़ा सा मूड अच्छा हो एंड नाउ आई वांट कि वो आपसे कुछ बातें भी करें और आपको पता चले कि जिस तरह मैं आपको बताती हूँ कि उनकी शख्सियत जैसी है और मेरे वो आइडियल क्यों है क्योंकि मेरे अंदर बहुत सी चीज़ें जो रिफ्लेक्ट होती हैं आई फील लाइक वो मेरे डैड की वजह से हैं तो आई वॉन्ट कि वो कुछ बोलें. आपने कुछ ज़्यादा ही मेरा इंट्रोडक्शन करवा दिया, ये आपकी आला ज़र्फ़ी है. बाकी कॉफ़ी नो डाउट बहुत अच्छी आपने कॉफ़ी बनाई है और आप जैसे आपके मैं इंस्पायरेशन हूँ इसी तरह आप मेरी बेस्ट बेटी हो, वर्ल्ड्स बेस्ट बेटी हो, इसमें कोई शक नहीं है. थैंक यू सो मच. मुझे भी इस पे प्राउड है कि आप माशाल्लाह बहुत अच्छी हो, नेक हो, बासलाहियत हो, लाइक हो और जो जो हो सके माशाल्लाह वो सब बातें जो एक अच्छी औलाद में, एक अच्छी बेटी में, एक अच्छी साहबजादी में होनी चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह वो सब बातें अल्लाह ताला ने आप में रखी हैं. आपकी अपनी शख्सियत बहुत शानदार है और मैं एक दफ़ा फिर कहूँगा वाकई मुझे प्राउड होता है कि मेरी बेटी माशाल्लाह दुनिया की बेस्ट बेटी है और जो हर तरह से हर चीज़ पे पूरा उतरती है. अपनी ज़िंदगी अभी तो छोटी सी हुआ, जितनी भी आप लाइफ गुजार चुकी हो, गुजार रही हो माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से गुजार रही हो. सबसे बड़ी बात जो है वो आप अल्लाह की रज़ा के लिए जो भी करती हो अल्लाह की रज़ा के लिए करती हो. मेन तो मकसद होना ही इंसान का, मुसलमान का ये चाहिए कि वो जो भी काम करे वो अल्लाह की रज़ा के लिए करे और मुझे इसमें बेहद खुशी है कि मेरे बच्चे सब जो भी करते हैं वो अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए, अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सही तरह उम्मती बनने की कोशिश कर रहे हैं. बाकी इंसान का काम है कोशिश करना, फल अल्लाह ताला ने देना है इंशाल्लाह. एंड आई वांट टू ऐड हियर लाइक दिस के द वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट के इवन आज मैं जहाँ पे भी हूँ तो मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कहते हैं कि आपके पेरेंट्स माशाल्लाह ब्लेस्ड हैं या जो भी वट एवर इस तरह जिन्होंने ऐसी तरबियत की जो भी. बट लिटरली इफ़ आई से हेयर तो मैं ये कहूँगी कि आज तक ये सब कुछ देखते हुए हमारे पेरेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अदा करते हैं अल्लाह ताला का, लेकिन कभी इस चीज़ को हमारे सामने जानबूझ के बार बार बोलना या प्राउड नहीं फील करवाया. लेकिन आज मुझे इंतहाई खुशी हुई कि आज जब मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मेरे फादर ने अपनी जो रियल उनका लव है मेरे लिए वो तो हर पेरेंट्स का ही होता है, लेकिन जब उनकी औलाद एक अच्छा काम कर रही होती है तो जब तब अगर कुछ पेरेंट्स आपके लिए बोले और ख़ास तौर पे एक फ़ादर अगर अपनी बेटी के लिए बोल रहे हैं तो इससे बढ़ के कुछ नहीं होता. तो आई वुड जस्ट से कि हर बेटी को ऐसा ही होना चाहिए. कुछ लोग समझते हैं कि आप लोग ये काम किसी और नीयत से कर रहे हैं, लेकिन नीयत तो अल्लाह ताला देख रहा है. लेकिन आज अगर मैं इनका प्राउड हूँ तो मुझे ये बैठ के बहुत ज़्यादा खुशी हुई है ये सुन के मेरे फादर मुझे कह रहे हैं कि मेरे आप मेरी भी इंस्पायरेशन हो. थैंक यू सो मच फॉर दिस. बट फिर भी मैं कहूँगी जहाँ पे मैं अभी हूँ वो सिर्फ आपकी वजह से हूँ. आप लोगों की तरबियत भी है और आपका बहुत तो ज़्यादा इंकरेज करना. बहुत आगे जाना है अभी तो, आपकी ज़िंदगी स्टार्ट है अभी तो, इंशाल्लाह आपने बहुत आगे जाना है, बड़ा कुछ सीखना है और बड़ा कुछ सिखाना है.
इंशाल्लाह। और पेरेंट्स से भी हम यही कहेंगे कि अपने जो औलाद है उनको एक तो अवेयरनेस भी दें, उसके बाद उनको इनकरेज ज़्यादा किया करें। अगर मेरे से कभी ज़िंदगी में कोई चीज़ मेरे से थोड़ी सी गलत हो भी रही है, तो मैं अपने फादर की जो पर्सनैलिटी यहाँ पर बताऊँगी वो यही थी कि उन्होंने मुझे मेरी मदर से भी ज़्यादा बहुत अच्छे तरीके से उसको टैकल किया कि आप ऐसे बहुत पॉजिटिव वे में। और आज अगर मैं जो चीज़ भी मेरे से अगर गलत हो जाती है, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल लिटरली मैं इनके पास आती हूँ और मैं इनसे पूछती हूँ कि बाबा ये चीज़ सही है मुझे बताया। जब वो कहते हैं कि ये चीज़ मुझे अच्छी लग रही है, आप में बेस्ट है, आप ठीक कर रही हो, तो फिर मैं उसको जो है परफेक्ट कह देती हूँ। क्योंकि जब बाबा ने कह दिया तो मेरे लिए वो चीज़ बेहतर होती है। अब आप कुछ भी किसी टॉपिक को, ये तो शायद कुदरती है कि बेटी की अटैचमेंट ज़्यादा मेरे फादर से होती है। और हर बाप को अपनी औलाद पे फख्र होता है, हर बाप को अपनी बेटी पे फख्र होता है। मेरा फख्र ज़्यादा इस वजह से है कि मेरी बेटी की सोच बहुत अच्छी है, पॉजिटिव सोच है। कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचा, कभी किसी के लिए गलत नहीं किया, ये जो मेन है ना। और सबसे बड़ी बात कि अल्हम्दुलिल्लाह कि आप जो बेटा दीन पे अमल करती हो और दीन को फैलाने में जो आप कोशिश कर रही हो, ताकि और आपकी एज की जो बच्ची हैं वो आपको देख के इस तरफ आए। क्योंकि आजकल जो वक्त है, हालात जो चल रहे हैं माशरे के, तकलीफ होती है देख के कि बेटियां, मुसलमान बेटियां किस तरह बेपर्दा फिर रही हैं या किस तरह के आजकल वो कामों में इन्वॉल्व हैं, तो तकलीफ तो होती है। तो फिर जब उनको मैं देखता हूँ और फिर अपनी बेटी को देखता हूँ, तो मैं जितना शुक्र अदा करूँ वो कम है। इसमें कोई शक नहीं है कि मेरी बेटी दीन पे चल रही है, अल्लाह के कामात को पूरा कर रही है, पूरी कोशिश करती है। बाकी इंसान से गलतियां तो होती हैं, मतलब कोई इंसान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा इस दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसे गलती ना हुई हो। बाकी बाबा आई वांट कि आप कुछ पेरेंट्स के लिए कुछ दे सकें, क्योंकि आपकी स्ट्रगल्स की वजह से या आपकी, आप मेरी इंस्पायरेशन है तो जिसकी वजह से हम ये सब काम कर रहे हैं। तो आई वांट कि आप यहाँ पे थोड़ा सा पेरेंट्स को अवेयरनेस दें कि वो कैसे अपनी बेटियों को भी और बेटों को भी इस तरफ थोड़ा सा। ये तो बहुत ज़रूरी है, खासतौर पर जब हम कहते हैं कि हम मुसलमान हैं और मुसलमान होने के बावजूद हम अपने घरों का माहौल इस तरह नहीं बनाते। इवन आप लोगों ने हमें छोटे होते से एक बार बताया कि बेटा आप लोगों की डेस्टिनेशन जन्नत है, तो ये चीज ऐड करके उनको अवेयर करना चाहिए कि जब हमारी डेस्टिनेशन ही जन्नत है, तो फिर हम इस वर्ल्डी लाइफ के लिए अपनी नफ्स को या अपनी इन चीजों को क्यों, अपनी डिजायर को खराब करते हैं। ये बेसिक सोच तो हर मुसलमान की यही होनी चाहिए कि हमारी दुनिया क्या है, हमारी आखिरत क्या है, हमने दुनिया में जो करना है वो किसके लिए करना है, हमारा मकसद क्या होना है, हमें किस मकसद के लिए पैदा किया गया है। तो अगर हम उस अपने मकसद से हट जाएंगे, अपने कॉज से हट जाएंगे, तो फिर दुनिया में भी डिस्टर्ब होंगे और आखिरत तो डिस्टर्बेंस ही डिस्टर्बेंस है। तो ये सोच तो हर इंसान की, हर मुसलमान की होनी चाहिए। बाकी गलतियां तो इंसान से होती है क्योंकि इंसान है। और अगर आपको अपने आप को डिग्रेड करेंगे कि हम तो आप बख्शे नहीं जा सकते, ऐसा कुछ नहीं होता। आप लोग कोशिश करें। और अब तो हमें दोबारा से एक चांस मिला है 2023 का, तो मैं चाहती हूँ कि बाबा 2023 के लिए ऐसी कोई एडवाइस कि लोग अपने आप को अब चेंज करें, क्योंकि क़यामत की काफ़ी ज़्यादा निशानियाँ भी पूरी हो गई हैं। इवन वी नो कि जन्ना में जब जाना है, जब मुसलमानों के लिए जन्नत बनी है, तो हमें उस पर भी सोचना चाहिए, उसके साथ साथ दुनिया को भी हम लेके चलें, लेकिन पॉजिटिव। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने बहुत देखिए, मेरे एक एज गुजरी है काफ़ी, बड़ी अच्छी सोच है लोगों की, बड़े पॉजिटिव माइंड के लोग होते हैं, लेकिन वो दीन से दूर होते हैं। अच्छी सोच के मालिक होते हैं, अच्छे किरदार के मालिक होते हैं। वही चीज उनमें शायद वो समझते हैं कि दीन में हम आ जाएंगे तो कोई रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगे, हालांकि ऐसा नहीं है। जब आप दीन में जाएंगे तो पॉलिश हो जाएंगे, आपकी दुनिया भी बेहतरीन गुजरेगी, आपकी आखिरत भी वो समझ जाएगी। अच्छी, एक दूसरे का दर्द रखने वाले लोग हैं, अच्छा दूसरे इंसान के लिए अच्छा सोचने वाले लोग, बेशुमार लोग ऐसे हैं, लेकिन वो थोड़ा सा दीन से दूर हुए होंगे। इंसान एज अ पर्सन, एज ए ह्यूमन बीइंग वो बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन जब उसमें दीन ऐड हो जाए तो वो माशाल्लाह बहुत पॉलिश होकर बहुत अच्छे इंसान बन जाएंगे। सोसाइटी ने उसका इमेज ही ऐसा बना दिया। बल्कि इवन यही मैं चाह रही हूँ कि हम ज्यादा बताएं कि लोग समझते हैं कि जब हम दीन में आ जाएंगे तो हम शायद कैद हो जाते हैं या सब चीजें हमारे लिए हराम हो जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगा। और मेरे लिहाज से दीन ज्यादा आसान है, अगर हम लोग अच्छे इंसान है और फिर भी दीन पे हमें, फिर तो हम अल्लाह के बहुत ज्यादा करीब हो सकते हैं और अल्लाह ताला के बहुत करीबी और अपने बंदों में शामिल हो सकते हैं और हमारी चीजें बहुत आसान हो सकती है। जी बेटा, अल्लाह ताला से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो दुआ मांगते हैं उनकी फेवरेट दुआ, रब्बा आतिना फिद दुनिया हसनतन वफिल आखिरति हसनतन वक़िना अज़ाब النار, ये इसमें दुनिया भी मांगी और आखिरत भी मांगी। हम सिर्फ दुनिया के चक्कर में पड़े हुए, आखिरत को बिल्कुल भूल गए।
आप हॉस्पिटल जाएं आपके सामने डेड बॉडीज जा रही हो, या कब्रिस्तान में जाएं आपके सामने दफनाया जा रहा होता है, जनाजे जा रहे होते हैं, लेकिन फिर भी अंदर से ना असर नहीं है तो उससे वो क्यों नहीं है कि हम अल्लाह ताला से दूर हो गए होंगे, अपने उन एहकामात से अल्लाह ताला के दूर हो गए, बल्कि इवन अगर हम लोग देखें तो जब हम अल्लाह ताला से हर चीज मांगते हैं, कहते हैं ना कि एक तस्मा भी अगर आपको चाहिए तो अल्लाह ताला से मांगना चाहिए, तो हमें हर चीज अल्लाह ताला से मांगनी चाहिए। और जब तवक्कुल आपका फेथ स्ट्रांग होगा तो आपकी बहुत सी चीजें सही हो जाएंगी। और अगर हमारी जिंदगी में हार्डशिप्स आती हैं, मेरे बाबा मेरे साथ हैं, मेरे शायद मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है करना, लेकिन अगर आपकी जिंदगी में हार्डशिप्स आती हैं तो वो हमें मेरे फादर ने हमेशा मुझे एक ही बात की है कि आपकी अगर जिंदगी में हार्डशिप्स आ रही हैं तो आप शायद अल्लाह के बहुत करीब हो, और वो सिर्फ इसी वजह से आपको दे रहा है कि आप फिर भी उसके पास जाओ। तो जब आप पे हार्डशिप आती है इसका ये मतलब नहीं है कि यार अल्लाह ताला तो आपसे प्यार कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि वो हार्डशिप्स क्यों दे रहे हैं फिर आपको, ऐसा कुछ नहीं। हार्डशिप्स तो कोई भी दुनिया में ऐसा इंसान नहीं होगा, बेशक वो अरबपति क्यों ना हो, कि उसकी जिंदगी में कोई भी मुश्किलात ना हो, कोई दुख ना हो, कोई, तो क्या उसका उस बंदे का कोई अजीज कोई पेरेंट्स इस दुनिया से नहीं जाते? जब जाते हैं तो तकलीफ में नहीं होता, क्या कोई नुकसान नहीं होता होगा? ऐसा दुनिया में कोई बंदा नहीं है कि जिसके साथ कोई मुश्किल ना पेश आई हो कभी भी, पूरी तरह अगर जिंदगी पूरी खुश गुजर सकती होती ना एक तरीके के साथ, खुश सिर्फ खुश रह के, तो सबसे ज्यादा हक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था कि वो खुश जिंदगी गुजारते, लेकिन उन्होंने तो सबसे ज्यादा तकलीफों में जिंदगी गुजारी। लेकिन बात बाबा यहाँ पे वही आ जाती है सोच की, हमारे लोगों की बहुत ज्यादा सोच भी नैरो हो गई है, लोग बहुत ज्यादा जो है बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव हो गए और बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचने लगे हैं। तो सोच के बारे में आप क्या कहेंगे कि हमें अपनी सोच को, जैसी सोच होती है वैसी फिर उसकी शख्सियत होती है, अच्छी सोच होगी तो उसका अमल भी अच्छा होगा, बुरी सोच होगी तो अमल भी बुरा होगा। लेकिन हमें कोशिश करना चाहिए कि हम पॉजिटिव सोचें। पॉजिटिव सोचने बगैर तो आप कैसे पॉजिटिव लाइफ गुजार सकते हैं? ना आप खुद पॉजिटिव रह सकते हैं, ना आप किसी और को पॉजिटिविटी दे सकते हैं। तो उस वो तो सबसे पहले है, तो अपने आप को पॉजिटिव बनाएं, अच्छा अच्छा सोचें, आप अपने लिए भी अच्छा सोचें, दूसरे के लिए भी अच्छा सोचें। जब अच्छा सोचेंगे तो अच्छी जिंदगी गुजरेगी और उसका फायदा इधर भी होगा उधर भी होगा, ये तो बहुत जरूरी है। इसके बगैर तो हर वक्त आप गलत सोच के उसके बारे में गलत सोचे उसके बारे में, जब किसी और के बारे में गलत सोचना है तो क्या उसका रिटर्न आपको क्या अच्छा मिलेगा? अच्छा बाबा इस बारे में बताएं कि अगर ये क्वेश्चन हो कि जो औलाद है उसको कैसी तरबियत के साथ साथ उसको ये दो एजुकेशन में से क्या दोनों को प्रेफर करना चाहिए या दीन की एजुकेशन भी बहुत जरूरी है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? पहली बात तो ये कि जो आजकल टाइम जो चल रहे हैं ना, हम पेरेंट्स जो है ना वो अपने आप को उन्होंने खुद इतना बिजी कर लिया हुआ है कि वो अपने बच्चों को टाइम नहीं देते। सबसे बड़ी ज्यादती जो पेरेंट्स कर रहे हैं वो अपने बच्चों को टाइम नहीं देते। सबसे पहले उन्हें अपना एक शेड्यूल बनाना चाहिए, टाइम टेबल बनाना चाहिए, अपने अपने बच्चों के लिए अपनी फैमिली के लिए वक्त निकालना चाहिए। वो वक्त निकालें, अपने बच्चों को टाइम दें, अपने घर को टाइम दें, ये सारा कुछ इधर ही रह जाए। अगर हमने अपने आप बच्चों को टाइम ना दिया तो हम उनकी करेक्टर बिल्डिंग नहीं कर सकते। हम उन्हें वक्त दें, उनके साथ वक्त स्पेंड करें, उनसे अच्छी बातें करें, उनके साथ गेम्स करें, उनको दिखाएं, उनको सिखाएं प्रैक्टिकली उनके साथ। ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आजकल नहीं हो रहा है, हम वक्त इतना तो निकालते हैं कि जाके किसी होटल में जाके होटलिंग कर लेते हैं, लेकिन वो तो होटलिंग की गपशप की लतीफे सुनाएं और खत्म हो गया। नहीं, ये टाइम नहीं, अच्छा टाइम, क्वालिटी टाइम जिसे हम कह सकते हैं। क्वालिटी टाइम तब ही बनेगा ना जब आप कुछ सिखाएंगे अपनी औलाद को। औलाद ने सबसे पहले सीखना ही अपने पेरेंट्स से। उन्हें आप अच्छी सोच देंगे तो उनके अंदर अच्छी सोच आएगी और वो अच्छी सोच फिर वो दुनिया में फैलाएंगे अपनी अच्छी सोच। और जब जब वो दुनिया आपकी औलाद को देखेगी कि ये अच्छी सोच की मालिक है, इतनी अच्छी बच्ची है, इतना अच्छा किरदार है इसका, इतना अच्छा बच्चा है, तो वो अल्टीमेट माँ बाप के लिए प्राउड है ना। तो वो यही कहेंगे ना कि इनकी तबीयत कितनी अच्छी हुई हुई है। तो दूसरे जो आपने पहले बात की ना कि दीन के बगैर तो बेटा नामुकम्मल है। दीन तो बहुत, दीन हमें सिखाते सब कुछ दीन है। उसके बाद हम देखें ना, पहले बच्चा जब पैदा होता है उसके कुछ साल बाद, एक साल बाद या कुछ ऐसे से माँ उसे सिखाना शुरू करती है। 5-6 साल की उम्र तक स्कूल जाने से पहले पहले माँ ने उसकी तरबियत करनी है। तो माँ ने अच्छी तरबियत करनी है, उसके बाद उसने स्कूल की एजुकेशन लेनी है या दुनियावी एजुकेशन की तरफ जाना है। तो स्टार्ट ही घर से होता है, घर की तालीम से होता है। और घर की तालीम के लिए जरूरत है कि माँ खुद एजुकेटेड हो दोनों लिहाज से, दीनी लिहाज से भी और दुनियावी लिहाज से भी। वही बच्चे का स्टार्टअप वही करती है। तो हमें ऐसी तरबियत की, अपनी अपनी बच्चियों को हमने ये तरबियत देनी है लाजमी तौर पर। हमें जरूरत है, हमारे माशरे को जरूरत है कि हम ऐसी तरबियत, तब एक अच्छी कौम बन सकते हैं हम। बिल्कुल, माँ तो एक नेशन बिल्डर है। जी अच्छा, आई वांट टू ऐड, इवन आई एम
स्टडिंग साइकोलॉजी, तो उसके अंदर भी मैंने यही पढ़ा कि जब वहाँ पे हम केस स्टडी वगैरह कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर मैंने एक स्टडी पढ़ी एग्रेशन के ऊपर, जिसके अंदर उन्होंने पूरी स्टडी बताई इस बारे में थी, उन्होंने पूरा एक्सपेरिमेंट किया बच्चों के ऊपर, जिसमें यही था कि बच्चे अपना एग्रेशन भी जो है वो अपने पेरेंट्स को देख के करते हैं। उन्होंने यही दिखाया उस एक्सपेरिमेंट में कि जब एग्रेशन में उसके फादर या मदर किसी को हिट कर रही हैं या कुछ कर रही हैं, तो वही सेम जो है बच्चे भी करते हैं। तो पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल है अपने बच्चों की एक शेप बनाने में, वो जो करेंगे उसमें रिफ्लेक्शन उनके पेरेंट्स की होगी। तो कई कई जगह पे होता है कि पेरेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन फिर भी औलाद जो है वो कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। लेकिन उसके लिए ये है कि आपको दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला से। बाकी पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि आज मेरे पापा मेरे साथ हैं, पहले तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन पापा की वजह से ही मेरे अंदर बहुत सी चेंजिंग्स आती भी जा रही हैं और आई भी हैं। तो मैं ये समझूंगी बच्चियों के लिए फादर की भी एक बॉन्डिंग होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मदर के साथ साथ फादर के साथ भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तो आप बहुत सी गलतियों से भी बच जाते हैं, क्योंकि होता है अक्सर हमारी भाइयों के साथ इतनी नहीं बन पाती, लेकिन फादर के साथ फिर भी बन जाती है। तो फादर के साथ बेटियों की बॉन्डिंग भी बहुत होनी चाहिए अच्छी, ताकि वो बहुत सी गलतियों से भी बच जाएं और आपको जो भी कोई प्रॉब्लम, मैं आपको बताऊं लिटरली मदर्स बेशक आपके साथ अच्छी होती हैं, लेकिन आपकी बात भी ज़्यादा अच्छे से समझ सकती हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी कन्फ्यूजन्स होती हैं जो आप, क्योंकि जेंडर सेम होता है, आप अपनी मदर से नहीं कर पा रहे होते, तो आप अक्सर अपने फादर से कर लेते हो। फादर कहते हैं और लिटरली वो बात पूरी भी हो जाती है, और जो फादर होते हैं वो बहुत पॉजिटिव तरीके से, और मैं तो हमेशा ही बाबा के करीब थी, बेशक मामा का और सीन है, लेकिन फिर भी बाबा के साथ ज्यादा। मामा का बहुत रोल है आप दोनों की तबीयत में, बिल्कुल ऐसे ही, ये तो हम बिल्कुल इससे डिनाई नहीं कर सकते हैं। सबसे ज्यादा रोल ही आपकी मदर का है, मेरा तो बहुत कम रोल है। माशाल्लाह आप जो आज इस वक्त हो, और मजीद अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, हौसला दे, और अपने रास्ते पे साथ मुस्तकीम पे चलने का और हिम्मत दे, अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक दे। आप दोनों बहन भाइयों में सबसे ज्यादा मेहनत ही आपकी मामा ने की है, कोई शक नहीं। बाबा कह रहे थे कि शायद मैं भी जो इंसान या लाइक जैसे मैं अपना वो भी आपकी मामा की, बिल्कुल बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। मामा का भी वाकई बहुत ज्यादा, और माओ का होता भी है। नेक्स्ट आप उनके साथ ही सेशन करें, इंशाल्लाह उनके साथ भी करेंगे। अभी वो जरा थोड़ा नहीं आना चाह रही, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि आज मेरे फादर मेरे साथ थे, एंड जस्ट आई वुड से थैंक यू सो मच, एंड आई होप कि इंशाल्लाह आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, और बहुत सी जो जो अच्छी अच्छी बातें हुई हैं, इंशाल्लाह अगले भी ऐसे हम सेशंस रख लेंगे, मतलब ऐसा कोई रख लेंगे, जरूर कोई ना कोई टॉपिक लेगा। अभी तो ये जस्ट डिस्कशन थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम पापा आए हैं ऐसे और बैठे हैं साथ, थोड़ा मेरे लिए मुश्किल भी था, बट खैर इंशाल्लाह दोबारा जरूर होगा, और कोई टॉपिक होगा इस सिलसिले को कंटिन्यू रखेंगे। और आखिर में फिर मैं कहूँगा कि मुझे नो डाउट ये बहुत खुशी होती है कि आप, अल्लाह ताला ने मुझे आप जैसी बेटी दी, और मुझे वाकई ये आप मेरे लिए बहुत प्राउड है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ओके अल्लाह।